क्या आप लोग एडवोकेट और लॉयर में फर्क जानते हैं? क्या मेरे जैसे आप भी यही समझते थे कि एडवोकेट और लॉयर में कोई फर्क नहीं होता? ऐसा नहीं है, एडवोकेट और लॉयर में फर्क होता है। लॉयर वो होता है जिसके पास लॉ की डिग्री हो या फिर वो लॉ की पढ़ाई कर रहा हो। वो आपको कानूनी सलाह तो दे सकता है लेकिन आपके लिए केस नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर कोई लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम पास करके वहां पे रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद वो आपका केस लड़ सकता है, क्योंकि उसके बाद वो एडवोकेट बन जाता है। सो ये डिफरेंस होता है एडवोकेट और लॉयर के बीच में। क्या हवाई जहाज में किया गया टॉयलेट सीधे जमीन पर आकर गिरता है? है तो बच्चों के जैसा सवाल, लेकिन कभी ना कभी आपके भी दिमाग में सवाल तो जरूर आया होगा। कई बुद्धिजीवियों का तो ये भी कहना होगा कि वो टॉयलेट अर्थ के एनवायरनमेंट में आते आते अपने आप ही खत्म हो जाता है। लेकिन थांबा, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर एक हवाई जहाज के पास खुद का 2 गैलन का एक टैंक होता है जिसमें उस टॉयलेट को इकट्ठा किया जाता है, और जैसे ही हवाई जहाज लैंड करता है उसके बाद उस टैंक को खाली कर लिया जाता है। अब अगर अगली बार आपके सिर पे कभी पानी का टपका गिरे तो आप ये समझ लेना कि वो कम से कम हवाई जहाज से तो नहीं गिरा। गाइज, आप लोगों ने कुछ हफ्ते पहले हुआ कराची का विमान हादसे के बारे में सुना होगा। उस विमान हादसे से ठीक पहले पायलट ने एक ऑडियो मैसेज दिया था कंट्रोल रूम में, और वो ऑडियो मैसेज वायरल हो गया था। उस ऑडियो मैसेज में वो पायलट बार बार कह रहा था मेडे मेडे मेडे, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। मेडे 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 पाकिस्तान 830। पर सवाल ये है कि क्या मतलब होता है मेडे का, मैं आपको बताता हूँ। मेडे एक क्रिटिकल मैसेज है जो कि तब दिया जाता है जब पायलट और विमान ये दोनों खतरे में हो। और मेडे एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड मेडर से लिया गया है जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया की सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का नाम है मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन, जो कि मात्र 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, जो कि हमारे ही देश की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन से लगभग 16 गुना धीमे चलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे बढ़िया तो मैं पैदल ही निकल जाऊं, लेकिन ये ट्रेन इसलिए इतना धीमे चलती है क्योंकि ये ट्रेन पहाड़ों से होकर निकलती है। लेकिन जब आप इसकी सवारी करेंगे और बाहर का नजारा देखेंगे तो आप इतने मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि आप लोग ये शुक्र मनाएंगे कि ये ट्रेन इतना धीमे चलती है।